वॉर्ड्रोब ओपन करके ना मैं मेरी फेवरेट मरून टी शर्ट इसमें से निकालती हूँ। ओ माई गॉड, जस्ट लुक एट द मैस ऑफ द क्लोथ्स। सारे कपड़े एक के ऊपर एक पड़े हैं, सारे एक दूसरे में एंटेंगल होके मिक्स हो गए हैं। एक टी शर्ट यहाँ तो दूसरी कहीं और, एक ड्रेस एक कोने में तो दूसरी किसी अलग ही कोने में। कपड़ों का तो बहुत ही बुरा हाल हो पड़ा है मेरी वॉर्ड्रोब में। और इसमें से अगर मुझे कोई भी स्पेसिफिक टी शर्ट, जीन्स, ड्रेस या फिर स्कर्ट चाहिए तो इसे ढूंढने में ही मेरा बहुत सारा टाइम और एनर्जी निकल जाएगी। सो माई डियर फ्रेंड्स, ये मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ होता है। एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब भी हम हमारे वॉर्ड्रोब को ओपन करते हैं ना, कपड़ों का मैस देख के ही वी स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड एंड एंग्री, और हमारा मूड जो है वो ऑफ हो जाता है। दैट मीन्स इट अफेक्ट्स आवर मेंटल हेल्थ। तो ये तो सोचने वाली बात हो गई है ना। तो भाई क्या किया जाए, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा है ना। हेलो नमस्ते, मैं हूँ रेशमा और स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो मैंने क्या किया, आराम से ठंडे दिमाग से इसके बारे में सोचा, इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की और मैं एक कंक्लूजन पे पहुंच गई। और वो कंक्लूजन है, अगर हम अपने वॉर्ड्रोब को एक ऐसे तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, एक ऐसा सिस्टम अपने वॉर्ड्रोब में बनाते हैं जिससे कपड़ों की मैस होने की नौबत ही ना आए, और अगर हमें लगता है कि कपड़ों का मैस हो रहा है या फिर हमें लगता है कि हमारी वॉर्ड्रोब जो है इट इज गेटिंग प्रोन टू द मैस, हम उसको इजीली सॉर्ट आउट कर पाए। तो आज के इस पार्ट वन एपिसोड ऑफ वॉर्ड्रोब ऑर्गेनाइजेशन में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे स्टेप्स जो बहुत ही जरूरी होते हैं बिफोर ऑर्गेनाइजिंग द क्लोथ्स इन द वॉर्ड्रोब। आई मीन हमें अपने वॉर्ड्रोब को पहले तैयार करना होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ये हम कैसे कर सकते हैं ये हम जानेंगे आज के इस पार्ट वन एपिसोड ऑफ वॉर्ड्रोब ऑर्गेनाइजेशन में। आप इसको प्री वॉर्ड्रोब ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने वॉर्ड्रोब को टोटली एम्प्टी कीजिए। रिमूव ईच एंड एवरी आइटम फ्रॉम द वॉर्ड्रोब एंड मेक इट टोटली एम्प्टी। इस वॉर्ड्रोब में ना मैं मेरे सारे वेस्टर्न आउटफिट्स, कैजुअल एंड होमवेयर रखती हूँ। मेरे ट्रेडिशनल आउटफिट्स एंड साड़ीज के लिए आई हैव ए सेपरेट वॉर्ड्रोब जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। सो फर्स्ट इस वॉर्ड्रोब को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। मैंने मेरे वॉर्ड्रोब को टोटली एम्प्टी कर लिया है बाय रिमूविंग ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम इट। और अब आता है अगला स्टेप, दैट इज द क्लीनिंग ऑफ द वॉर्ड्रोब। माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अपने वॉर्ड्रोब को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डस्ट गेट्स एक्यूमुलेटेड एट द रॉड्स, कॉर्नर्स, साइड्स एंड द एजेस ऑफ द वॉर्ड्रोब। आप चाहे तो क्लॉथ को थोड़ा सा वेट करके भी वॉर्ड्रोब क्लीन कर सकते हैं। एंड नाउ माय वॉर्ड्रोब इज रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज पुटिंग द लाइनिंग ओवर द शेल्फ्स। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद दिस शेल्फ। लाइनिंग के लिए मैं ये व्हाइट टर्किस टॉवल यूज कर रही हूँ। टर्किस मटेरियल्स आर अवेलेबल इन रोल फॉर्म आल्सो। आप चाहे तो अपने शेल्फ के साइज के हिसाब से रोल को कट करके यूज कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह के टॉवल्स भी यूज कर सकते हैं। तो अपनी शेल्फ की साइज के हिसाब से आप इसे इस तरह से दोनों साइड्स में फोल्ड कर सकते हैं।
और सिमिलरली ऑन द फ्रंट साइड एंड देन जस्ट प्रेस इट नाइसली ऑन ऑल द साइड्स सो दैट देर आर नो रिंकल्स एंड क्रीजेस ओवर इट एंड इट सेट्स प्रॉपरली. इन दिस वे आई हैव फोल्डेड द मटेरियल ऑन बोथ द साइड्स एंड ऑन द फ्रंट साइड लाइक दिस. सिमिलरली बाकी के शेल्फ्स के ऊपर भी मैंने इसी तरह से व्हाइट टर्किश मटेरियल का लाइनिंग लगा लिया है. आप अपने चॉइस के कलर्ड टर्किश मटेरियल यूज कर सकते हैं लाइनिंग के लिए. टर्किश मटेरियल शेल्फ्स के ऊपर बहुत ही स्टिफ एंड स्टडी रहता है. इस लाइनिंग की वजह से वार्डरोब के शेल्फ्स बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखते हैं और इसके ऊपर हम कपड़ों को फोल्ड करके अच्छे से रख सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी, इट विल गिव ए वेरी डिसेंट लुक टू द वार्डरोब. वार्डरोब के इस सेक्शन में जहां पर आप देख रहे हैं इस टाइप के छोटे शेल्फ्स हैं. तो यहां पर मैं ये मरून कलर के छोटे टर्किश टॉवल यूज कर रही हूं लाइनिंग के लिए. अब मैं इसको इस तरह से बिछा देती हूं शेल्फ के ऊपर फ्रंट में थोड़ा सा फोल्ड करके. सिमिलरली बाकी के शेल्फ्स पर भी मैंने सेम कलर के टर्किश टॉवल एज ए लाइनिंग मटेरियल बिछाए हैं एंड सी दे आर गिविंग सो एलिगेंट एंड ब्यूटिफुल लुक टू द शेल्फ्स. आई विल हाईली रेकमेंड दिस काइंड ऑफ टर्किश टॉवल या टर्किश मटेरियल फॉर वार्डरोब शेल्फ लाइनिंग. अब इन शेल्फ्स में ना मुझे कुछ डिवाइडर्स या फिर पार्टीशंस चाहिए टू सेपरेट द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्लोथ्स. And this leads to the next step, that is DIY of wardrobe dividers or partitions. Dividers के लिए मैंने cardboard boxes को cut करके इस size के sheets बनाए हैं like this. इसको cover करने के लिए I am using this pillow cover. आप आपके पास जो भी पिलो कवर्स अवेलेबल है जो आप यूज नहीं करते हो वो इसके लिए यूज कर सकते हैं. अब इस कार्डबोर्ड शीट को मैं इस पिलो कवर के अंदर डाल रही हूं और अच्छे से इसको वन साइड पुश कर रही हूं सो इट सेटल्स प्रॉपरली ऑन वन साइड. Now I am folding the spare portion of the pillow cover over the cardboard portion in this way. And again I am pushing the cardboard totally on one side so that it remains steady. पिलो कवर के इन तीन जगहों पर मैं ये डबल साइडेड टेप लगा रही हूं. और इस साइड को नीचे वाली साइड पर चिपका रही हूं लाइक दिस. इस स्पेयर पिलो कवर पोर्शन को अगेन विद द हेल्प ऑफ डबल साइडेड टेप इस तरह से फोल्ड करके चिपका रही हूं. एंड नाउ लुक, दिस डिवाइडर इज रेडी फॉर द यूज. इस तरह से मैंने अनदर 5 पीसेस ऑफ डिवाइडर्स रेडी करके रखे हैं. नाउ दिस स्टेप इज ऑप्शनल फॉर यू. आप चाहे तो डिवाइडर्स यूज कर सकते हैं या फिर यू मे नॉट यूज इट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. एंड नाउ लेट्स फिक्स देम इन द वार्डरोब शेल्फ्स. तो इस शेल्फ पर मैंने मेजर करके इक्वल डिस्टेंसेस मार्क कर लिए हैं फॉर फिक्सिंग द डिवाइडर्स.
डिवाइडर के इस एज पर मैंने 3 डबल साइडेड टेप लगा लिए हैं और अब इसको मैं इस तरह से यहाँ पर फिक्स कर रही हूँ। Similarly, I am going to fix the remaining dividers following the same procedure. ये dividers जो है different categories of clothes को अलग अलग sections में organize करने में बड़ी मदद करते हैं और इसकी वजह से कपड़े आपस में entangle होके mix नहीं होंगे and wardrobe will remain totally mess free. जब चाहे आप इनको निकाल भी सकते हैं according to your choice. So wardrobe is now perfectly ready to get well organized. अब आते हैं कपड़ों के पास जो वार्डरोब से पूरे निकाले हैं एंड दिस गिव्स राइज टू द स्टेप नंबर 5 दैट इज सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ द क्लोथ्स। इस स्टेप में आप सॉर्ट आउट करें कि कौन से कपड़े आप बहुत टाइम से नहीं पहन रहे हैं और आगे भी इनका यूज नहीं करने वाले हैं, तो इनको एक सेपरेट कैटेगरी में रखें सो दैट यू कैन डोनेट दोज क्लोथ्स टू द नीडी पीपल। और अगर कुछ कपड़े ऐसे हैं जो कोई भी यूज नहीं कर सकता है तो इनको डिस्पोजल कैटेगरी में डाल दें। अब जो कपड़े आपके वार्डरोब में जाने वाले हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड करें, आई मीन सिमिलर कैटेगरी ऑफ क्लोथ्स के एक एक ग्रुप बनाएं। ऐसा करने से हर एक कपड़े को एक प्रॉपर जगह मिलेगी वार्डरोब में एंड दिस विल रियली सिंप्लीफाई द टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं फटाफट से इन कपड़ों को सॉर्ट आउट करके ग्रुपिंग कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। जस्ट हैव ए लुक एट दिस। दिस इज ए ग्रुप ऑफ कोट्स एंड जैकेट्स। दिस इज ए ग्रुप ऑफ फॉर्मल शर्ट्स। दिस इज ए ग्रुप ऑफ कैजुअल शर्ट्स। व्हाइट शर्ट्स का मैंने एक ग्रुप बना लिया है। नेक्स्ट टू इट इज ए ग्रुप ऑफ चेक्स एंड स्ट्राइप शर्ट्स। यहाँ पर सारे इस तरह के पॉलिस्टर एंड सिंथेटिक शर्ट्स को ग्रुप करके रखा है। दिस इज ए ग्रुप ऑफ सिंथेटिक मटेरियल प्लाजोस एंड स्कर्ट्स। इस बास्केट में सारे कैजुअल सिंथेटिक टी शर्ट्स एंड क्रॉप टॉप्स है। दीज आर जम्प सूट्स और ये कुछ इंडो वेस्टर्न टॉप्स है और इसके साइड में सॉफ्ट कॉटन मटेरियल के कुछ टी शर्ट्स एंड क्रॉप टॉप्स हैं। दिस इज ए जॉइंट फैमिली ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स एंड दिस इज ए फैमिली ऑफ होम वेयर क्लोथ्स। दिस इज ए ग्रुप ऑफ जैगिंग्स और ये है फैमिली ऑफ जॉगिंग एंड वर्कआउट क्लोथ्स। इन दिस ग्रुप यू विल फाइंड हैट्स एंड सम शॉल्स एंड विंटर वेयर। ये है फैमिली ऑफ पार्टी वेयर टॉप्स। दिस इज ए फैमिली ऑफ वन पीस ड्रेसेस एंड फ्रॉक्स। And last but not the least, this is a group of this type of tops. इस बैग में मैंने वो सारे कपड़े रखे हैं which I am not going to wear anymore. And I am going to donate this bag of clothes to needy people who can make the best use of it. इन द नेक्स्ट एपिसोड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड टेक्निक्स जिससे आप अपने कपड़ों को वेरी क्रिएटिवली एंड सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज कर पाएंगे अपने वार्डरोब में। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर भी कीजिएगा सो दैट इट विल हेल्प मैनी पीपल टू ऑर्गेनाइज देयर वार्डरोब। और जो इस चैनल पे नए हैं
वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ऑर्गेनाइज्ड, स्टे एनर्जाइज्ड।